ऐड अभी। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ठंडा ठंडा पानी है, क्योंकि पहाड़ों का पानी ठंडा होता है। वैसे बरसात का टाइम है, ज़्यादा बारिश के कारण जो है पहाड़ों से ज़्यादा पानी आता है दोस्तों यहाँ पे। हमें कितने किलोमीटर आए अभी? दो तीन किलोमीटर। अभी 3 किलोमीटर क्रॉस किया है, अभी 3-4 किलोमीटर और करेंगे दोस्तों, तभी तो दोगी अंदर। ये दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है पहाड़ों का और बादल का। दोस्तों वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप अच्छे ही होंगे दोस्तों। दोस्तों आज मैं और मम्मा और पीछे चले हैं पापा, और पापा के फ्रेंड हैं, अभी जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए। थोड़ा सा मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग बना दूं, सो बने ये ब्लॉग पे आपको दिखाता रहूँगा कैसा व्यू है यहाँ पे सुंदरनगर का, फॉरेस्ट का। हाय डॉगी, हाय हाय डॉगी। हमें कितने किलोमीटर आए अभी? अभी 3 किलोमीटर क्रॉस किया है, अभी 3-4 किलोमीटर और करेंगे दोस्तों, तभी तो दोगी अंदर। चल तो 4-5 किलोमीटर और घुमा के आगे। हमें तो भी लगा रहे इनके साथ। प्रभाग है थे ना गिर नहीं आई है चिल्ला उसके अंकल जी। आज के इवनिंग वॉक में देखिए आपको मैंने कुछ दिखाया, मैक्सिमम जो भी है जो मैं रिकवर कर रहा हूँ अपनी वीडियो में। सो इतना सुंदर व्यू है दोस्तों, मन नहीं कर रहा है कि वापस जाएं, आगे चलते ही जाएं, चलते ही। वैसे देखा जाए तो पहाड़ों में अच्छा लगता है कोई भी हो वॉक करने के लिए। यहाँ से बताता हूँ, ये देखिए उस साइड से हम आए हैं, देखिए पहाड़ों की ऊंचाई, जैसे हम चढ़ते जा रहे हैं आगे ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये पहाड़ लगभग यहाँ पे ख़त्म हो जाता है दोस्तों, और आगे इससे भी ऊंचा पहाड़ है। चलो देखूँगा वहाँ तक पॉसिबल हुआ दोस्तों तो जाएंगे, आपको दिखाएंगे पहाड़ भी। मम्मी नहीं मानेगी आ जाए, एक रात को पता लगेगा, थकेंगे और ठंडा होगा शरीर, फिर लगेगा पता है। दोस्तों आगे का व्यू भी दिखाता हूँ मैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा व्यू है। देखिए ये दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है पहाड़ों का और बादल का, जूम करके दिखाता हूँ। कुछ कहना चाहेंगे मम्मी मेरे सब्सक्राइबर को? देखिए दोस्तों साथ में पहाड़ और खड्ड। यहाँ से मैं आया हूँ, और इस साइड गांव है, और देखिए ऊपर पहाड़। देखिए दोस्तों कितना सुंदर व्यू है। बहुत तेज बहाव है दोस्तों यहाँ पे, देखो साइड में मक्की लगी हुई है, मक्की भुजी हुई है, देखिए खाने लायक मक्की हो गई है। देखिए जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ठंडा ठंडा पानी है, क्योंकि पहाड़ों का पानी ठंडा होता है। वैसे बरसात का टाइम है, ज़्यादा बारिश के कारण जो है पहाड़ों से ज़्यादा पानी आता है दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों इस गांव का नाम ज्वाला है, जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, और जनसंख्या की बात की जाए तो 80 लोगों की जनसंख्या है दोस्तों इस गांव में।
देखिए दोस्तों, ऐसे रोड होते हैं पहाड़ों में। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको बताया हमने सुंदरनगर के गांव का व्यू। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और मेरा चैनल दे हिमाचल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय महादेव।